हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 30th अगस्त 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो अपस्टॉक्स में बिल्कुल अपना जो है अकाउंट फ्री में ओपन कर पाओगे और यहाँ पे जो है अपनी ट्रेडिंग जर्नी अपस्टॉक्स के थ्रू स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले जुबिलेंट फूड में फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं जुबिलेंट फूड में जो है ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं आया। 0.44% की जो है नेगेटिव यहाँ पे देखने मिली है क्लोजिंग, और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 3812.35 पे। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपको आने वाले दिनों में इसमें क्या देखने मिलने वाला, क्या ऐसे ही ये स्टॉक जो है वो डाउन मूवमेंट देने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है, या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आ सकता है आने वाले दिनों में, उस बारे में हम बात करें। सबसे पहले हम जाते हैं अपने वन डे के चार्ट पे। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं वन डे का चार्ट हमारा क्या बता रहा है और यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो इंडिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम जो था फ्राइडे का वो बहुत ही लो था। मतलब यहाँ पे जो है आपको बहुत लो वॉल्यूम जो है देखने मिला है। इसका मतलब यहाँ पे आपको कोई घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मल सा जो है एक सेलिंग था, क्योंकि जो है जो अभी निफ्टी 50 है वो जो है अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास है। इसकी वजह से यहाँ पे जो है थोड़ी सी जो है बायर्स जितने भी थे वो जो है अभी सेल कर रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो छोटा सा एक डाउनसाइड आया है। तो फिलहाल यहाँ पे जो RSI भी है वो भी यहाँ पे जो न्यूट्रल है, मतलब 57 के आसपास है जो न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको RSI भी वही बात कर रहा है कि यहाँ पे जो नॉर्मल चल रहा है, फिलहाल जो है अभी नॉर्मल सा एक आपको डाउनसाइड देखने मिला है। फिलहाल हम बात करते हैं मंडे के लिए। मंडे को यहाँ पे आपको क्या देखने मिलने वाला है 1 आवर के चार्ट पे। तो यहाँ पे 1 आवर के चार्ट में हम आपको बताते हैं क्या रेजिस्टेंस जोन रहेगा मंडे के लिए और क्या सपोर्ट जोन रहेगा और एंड में हमारा क्या ओपिनियन रहेगा, इसमें आपको कितना अपसाइड मोमेंट देखने मिल सकता है, कितना जो डाउनसाइड मोमेंट देखने मिल सकता है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मोस्टली आपको एक अपसाइड मोमेंट आने वाला है मंडे के दिन। यहाँ पे वो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया। फिलहाल यहाँ पे जो 3846 का जो एक रेजिस्टेंस आता है और उसके ऊपर जो एक रेजिस्टेंस आता है वो आता है 3907 का। यहाँ पे इवन दो यहाँ पे 3907 जो थोड़ा सा यहाँ पे जो है मुश्किल हो जाता है आना, तो क्योंकि यहाँ पे जो है एक छोटा सा वीक जो है 3900 के नीचे 6 पॉइंट नीचे, मतलब 3894 जो है एक रेजिस्टेंस बन जाता है स्टॉक के लिए, जहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है संभाल के रहना है और यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए डाउनसाइड आ सकता है। फिलहाल इस स्टॉक में जो थोड़ा सा छोटा सा कैच है जो भी मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पे नीचे का जो सपोर्ट आता है वो क्या आता है वो मैं बताता हूँ। 3758 जो है एक यहाँ पे सपोर्ट आता है जो फिलहाल यहाँ पे जो है वीक सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है कल के दिन थोड़ा सा जो पॉजिटिविटी रह सकती है, इसकी वजह से यहाँ पे जो इतना नीचे तक नहीं आने वाला है। अगर डाउन साइड और नीचे की बात करूँ मैं तो एक सपोर्ट ऑलरेडी मैं आपको बता देता हूँ 3699 का, मतलब 3700 साइकोलॉजिकल नंबर पकड़े तो 3700 जो अगला एक रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट जो है वो बन सकता है। फिलहाल यहाँ पे जो है आपको कल के दिन जो कैच की जो मैं बात कर रहा था उस बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको एक अपसाइड मोमेंट तो देखने मिलने वाला है। फर्स्ट हाफ में जो आपको अपसाइड मोमेंट देखने वाले हो यहाँ पे 11 बजे तक जो है आपको एक अपसाइड मोमेंट आने वाली है, लेकिन उसके बाद जो एक डाउनसाइड आ सकता है। तो थोड़ा सा इस स्टॉक में जो है कॉशियस रहना और यहाँ पे जो है अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करके रखना, ताकि यहाँ पे जो है आप जो है बे मतलब का यहाँ पे जो लॉस ना ले पाए और यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है अच्छा खासा गेन कर पाए। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने जो है आपको रेजिस्टेंस जो है वो दो बता दिया है 3894 3846। यहाँ पे मोस्टली जो चांसेस है कल के इस स्टॉक में परसेंटेज वाइज यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा मोमेंट देखने नहीं मिलने वाली है। जहाँ पे जो है फ्राइडे के दिन क्लोजिंग हुई थी उसी के आसपास जो है आपको मंडे के दिन भी जो है उसी के यानी कि 10 पॉइंट से लेके +10 से लेके -10 के बीच में ही जो है आपको इसमें क्लोजिंग देखने मिलने वाली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है इस पे इसको इस स्टॉक में जो है ट्रेड करना इंट्राडे के लिए तो बहुत ही यहाँ पे मुझे नेगेटिव लग रहा है। मतलब यहाँ पे जो आपको इस स्टॉक में जो है बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए मंडे के लिए। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।